कोटपुतली कस्बे से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित अरावली की पहाड़ियों में बसे ग्राम पुरुषोत्तमपुरा में भगवान जगन्नाथ के वार्षिक उत्सव समारोह का कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शुक्रवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आयोजित विशाल मेले में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वहीं मंदिर पर विशेष सजावट आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर कस्बा और आसपास के क्षेत्र समेत विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगी। कई श्रद्धालुओं ने नंगे पैर चलकर भगवान को प्रसाद चढ़ाकर धूप लगाकर भगवान की प्रसादी ग्रहण की। मंदिर की व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए दिखाई दिए हैं। भगवान को कड़ी बादशाह मूली पालक से बनी प्रसादी का भोग लगाया गया। ग्राम पुरुषोत्तमपुरा के श्री जगन्नाथ धाम के पीछे केशव दास नाम के एक शिष्य की अटूट आस्था से जुड़ी एक कहानी है कि वह पहले गांव से केशव दास नाम का भक्त हर महीने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाता था। उनको जगन्नाथपुरी जाने में करीब 6 माह का समय लगता था। वक्त बीतने के साथ साथ केशव दास वृद्ध होता गया। बताया जाता है कि एक रोज केशव दास रास्ते में थककर बैठ गया, तभी भगवान जगन्नाथ ने भक्त केशवदास की लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि भक्त आज के बाद में स्वयं ही वर्ष में एक बार कृष्ण पक्ष की नवमी को ग्राम पुरुषोत्तमपुरा में दर्शन देने आया करूंगा। खास बात यह है कि कृष्ण पक्ष की नवमी को जिस दिन यहाँ मेला लगता है उस दिन पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान जगन्नाथपुरी के बजाय पुरुषोत्तमपुरा में विराजमान होते हैं। बताया जाता है कि जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है वे इस दिन रात को मशाल जलाकर भगवान जगन्नाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। इस मशाल को जलाने से 1 क्विंटल से अधिक सरसों के तेल का उपयोग होता है। यहाँ आने वाले हजारों भक्तों की संख्या भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा व विश्वास को दर्शाती है। मेले में स्काउट व गाइड के छात्रों ने अपनी सेवाएं देते हुए श्रद्धालुओं को कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। वहीं मंदिर परिसर में जाने से पूर्व श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान भाजपा नेता शशि मित्तल, डॉक्टर अरविंद मित्तल, शैलेश मित्तल, योगेश खंडेलवाल, मुकेश शर्मा, विकास कुमार समेत अनेक ग्रामीणों ने मंदिर व मेले की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग किया।